तो आज है 2 अप्रैल और आज आरसीबी की टीम आईपीएल 2023 के अंदर अपना पहला मुकाबला खेलेगी जो कि होने वाला है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में। तो इस मुकाबले के लिए आरसीबी की टीम के क्या प्लेइंग 11 होने वाली है यह मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप लोग आरसीबी की टीम के फैन हो और जानना चाहते हो आज आरसीबी की टीम की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाकर ज्वाइन कीजिए क्योंकि टेलीग्राम पर काफ़ी सारे गिव अवेज आने वाले हैं। साथ ही में आरसीबी की टीम की हर एक मैच की हाइलाइट्स और अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मिलेगी। तो फटाफट जाके आप लोग टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन कीजिएगा। अब दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2023 का दोस्तों आज सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है क्योंकि दो बिगेस्ट फैन बेस वाली टीम यानी कि आरसीबी और मुंबई इंडियंस की टीम आज आपस में भिड़ेंगी और यह मुकाबला आरसीबी की टीम के होम ग्राउंड यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर होने वाला है। तो काफ़ी बड़ा मुकाबला रहेगा। आरसीबी फैंस साथ ही में मुंबई इंडियंस के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैच को लेकर। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हम लोग जानते हैं कि आरसीबी की टीम जो है वो आज किस प्लेइंग 11 के साथ में उतरने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग से शुरुआत करते हैं। तो आरसीबी की टीम के आज जो ओपनर्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं कप्तान फाफ डु प्लेसिस के साथ में विराट कोहली हम सभी को आरसीबी की टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर 3 पर हम सभी को सुयेश प्रभु देसाई दिखेंगे। रजत पाटीदार दोस्तों ये मुकाबला मिस करने वाले हैं, उनको चोट लगी है, इंजुरी है, इसी कारण वो यह मुकाबला नहीं खेलेंगे और उनकी जगह में सुयेश प्रभु देसाई नंबर 3 पर देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4 की हम लोग बात करें तो आरसीबी फैंस के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि मैक्सवेल जो है 100% फिट है, रिपोर्ट्स निकल के आ चुकी है। पहला मुकाबला खेलने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल और नंबर 4 पे आप सभी को बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। नंबर 5 पे देखेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज महिपाल लामरोर जिन्होंने दोस्तों आरसीबी की टीम के प्रैक्टिस मुकाबले में भी बढ़िया बैटिंग करी थी और इसी वजह से यह नंबर 5 पर ही खेलेंगे। आरसीबी की टीम की तरफ से लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा क्योंकि दोस्तों महिपाल लामरोर जो है वो लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है। इसके बाद नंबर 6 पर हम सभी को दिखेंगे आरसीबी की टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक जो कि फिनिशिंग का काम हम सभी को करते हुए दिखेंगे। नंबर 7 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आरसीबी की टीम जो है वो माइकल ब्रेसवेल को खिलाने वाली है। माइकल ब्रेसवेल दोस्तों आप में से कई लोग जो है पहली बार इनका नाम सुन रहे होंगे लेकिन आप सभी को बता दें माइकल ब्रेसवेल विल जैक्स की रिप्लेसमेंट में आरसीबी के स्क्वाड में शामिल हुए हैं और आरसीबी की टीम के प्रैक्टिस मुकाबले में माइकल ब्रेसवेल ने 55 गेंदों पर शतक बनाया था और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, इसीलिए नंबर 7 पर आरसीबी की टीम इन्हें खिलाएगी और ये जो खिलाड़ी है ये प्लेयर टू वॉच आउट आज होने वाले हैं। सभी फैंस की नज़र इन पर रहने वाली है क्योंकि काफ़ी सारी उम्मीदें इन पर लगी हुई है। नंबर 8 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम सभी को देखने को मिलेंगे एक और ऑलराउंडर शाहबाज अहमद। नंबर 9 पर हम सभी को दिखेंगे मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाज। नंबर 10 पर हम सभी को देखने को मिलेंगे रिस टॉपले। अब दोस्तों हेजलवुड भी इस मुकाबले को मिस करने वाले हैं तो इसीलिए हम सभी को ये मुकाबले में हेजलवुड की जगह पर रिस टॉपले देखने को मिलने वाले हैं जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे। और नंबर 11 पर हम सभी को आरसीबी की टीम के हर्षल पटेल देखने को मिलने वाले हैं। तो यह आरसीबी की टीम की दोस्तों आज की प्लेइंग 11 होने वाली है मुंबई इंडियंस के सामने। बड़ा मुकाबला आरसीबी की टीम के लिए रहेगा। आरसीबी के जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स है वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ये गुड न्यूज़ है। और इसके साथ ही आरसीबी की टीम के अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी के अंदर यह मुकाबला होने वाला, तो बड़ा मुकाबला रहेगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैच से पहले काफ़ी सारी अपडेट्स आरसीबी की टीम को लेकर आने वाली है। तो टेलीग्राम पर आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। आप लोग फटाफट जाके नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। आपको दोस्तों क्या लगता है आज आरसीबी की टीम की तरफ से कौन होगा हाईएस्ट रन स्कोरर, आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आरसीबी की टीम की अपडेट्स और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।